Hello, history warriors. So how are you doing? So firstly, a very very warm welcome to Baiju's exam prep and a very warm welcome to our session. तो आज के शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ उससे रिलेटेड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो आपके इन्फॉर्मेशन को एक एज दिलाएगी कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स. एंड सीइंग कि एग्जामिनेशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है एंड बहुत ही कम टाइम बचा है इन द एग्जामिनेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लास्ट मोमेंट आप काफी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज वॉट will give you an edge compared to other aspirants. So you have to make sure कि आप काफी ज़्यादा elimination techniques practice कर रहे हैं. At the same time, you are also managing your time. So before we start the session, please make sure कि आपने पहले के ऐसे short videos ज़रूर देखे होंगे, जिसमें हमने कुछ theoretical topic और कुछ questions पहले भी discuss किया है. और जो हमें पहली बार देख रहे हैं, please do not forget to subscribe to our channel. Also at the same time, do not forget to join our Telegram group. हमारे Telegram group का हिस्सा जरूर बनिए. तो चलिए अब देखते हैं one of the most important question which is going to help you in the examination. Okay, so question ये है कि ये जो basically देवी चंद्रगुप्त of विशाखादेव है, इस प्ले के जो बेसिकली पैसेजेस हैं, ये स्पेसिफिकली हमें किस मैन्युस्क्रिप्ट में मिला है. सो विशाखादेव की देवी चंद्रगुप्त जो है, ये एक लुप्त नाटक है, इसके कुछ अंश हमें इनमें से कौन सी पांडुलिपि पे मिली है. सो द आंसर इज तकी के हिम, या हम बात कर रहे हैं नाट्य दर्पण की, या हम बात कर रहे हैं मनुस्मृति की, और वी आर टॉकिंग अबाउट श्रृंगार प्रकाश. So which of the following passages जो हैं, ये जो lost play के passages हैं, ये हमें इनमें से कौन से sources में मिलते हैं. So फटाफट से अपनी जो answer है ये comment section में लिखिए और मुझे बताइए. So this is one of the very important question, क्योंकि आप देखोगे examination में directly and indirectly इस type के questions काफी ज्यादा आते हैं. So I think by now सारे लोगों ने answers बोल दिया होगा. So the correct answer here is A, which is 3 and 4, which is नाट्य दर्पण and श्रृंगार प्रकाश. अब कुछ extra information जान लेते हैं जो हमें help करेगा. Firstly, ये जो हमारी तीन पैसेज, जो ये हमारी लॉस्ट प्ले है देवी चंद्रगुप्त की, इसकी तीन पैसेज हमें स्पेसिफिकली मिली है वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली इन श्रृंगार प्रकाश जो की है भोज की. तो ये स्पेसिफिकली हमें तीन पैसेजेस यहां मिले हैं. इसके अलावा 6 पैसेज हमें मिली है रामचंद्र एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली आप देखोगे गुणचंद्र के जो नाट्य दर्पण है, इसमें स्पेसिफिकली हमें इनके 6 पैचेस मिले हैं. सो ये जो हमारी लॉस्ट प्ले है, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट एरियाज जहां पे स्पेसिफिकली हमें इनके कुछ पैसेजेस का जिक्र मिलता है. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है, सो देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन हिस्टोरिसिटी ऑफ रामगुप्त. और ये जो रामगुप्त की हिस्टोरिसिटी की हम बात कर रहे हैं, ये प्लेज एक्चुअली आपको उसके बारे में भी एविडेंस देते हैं जो कई बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है. जब हम इन सारे पैसेजेस को गो थ्रू करते हैं, तो मोस्टली जो कॉमनली ऐसी चीज है जो इन सारे पैसेजेस में आकर कर रही है, इट इज द स्टोरी अबाउट रामगुप्त. एंड यहाँ पे स्पेसिफिकली स्टोरी है कि जो रामगुप्त है वो कैसे उनके टाइम पीरियड में एक शाका राजा है जो बेसिकली इन्वेड करते हैं, और जब वो इन्वेट करते हैं, जब वो उनके राज्य पे आक्रमण करते हैं, तो किस तरह वो अपनी मिनिस्टर की मदद से पीसफुलनेस लाने की कोशिश करते हैं, शांति लाने की कोशिश करते हैं. तो ये पूरा का पूरा जो स्टोरी है, जो नरेशन है, ये स्पेसिफिकली हमें इन पैसेजेस से पता लगता है. इसके अलावा अदर सोर्सेस, जो भी हमने अभी इवेंट्स पढ़े हैं, जितने भी यहाँ पे हमारे इवेंट्स हैं, जो पार्ट है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हमें बाणभट्ट की हर्षचरिता में भी मिलती है एंड शंकरा की कमेंट्री में भी मिलती है. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एविडेंसेस जो स्पेसिफिकली उन पे फोकस कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज एवरीबडी, 11th सेंचुरी की पर्शियन वर्क है विच इज कॉल्ड मजमत उल तवारिक, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है बाय अबुल हसन अली. ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्क है जो हमें चंद्रगुप्त के बारे में बताती है कि किस तरह के से चंद्रगुप्त जो है, उन्होंने बेसिकली शाकराला जो राजा है उनकी हत्या की. एट द सेम टाइम ये वर्क भी हमें रामगुप्त के बारे में एविडेंसेस जो है वो देते हैं कि कैसे चंद्रगुप्त अपनी सारी प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, कैसे शाका रूलर को मार रहे हैं. एंड इसी पूरे रेफरेंस में आप देखोगे रामगुप्त का भी एक रेफरेंस है. सो दिस वाज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहां पे उन्होंने इंस्क्रिप्शंस के बारे में आपसे पूछा था. नाउ लेट अस लुक एट सम लिटरेरी सोर्सेज. सो दीज आर सम लिटरेरी सोर्सेज जो आपको एज दिलाएंगे कंपेयर टू अदर पीपल डायरेक्ट क्वेश्चन में एज वेल एज इनडायरेक्ट क्वेश्चन में. तो इसको जरूर याद रख लीजिएगा, और जब आप रिविजन करेंगे तो प्लीज अपने मटीरियल में इन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को एड कर लीजिएगा.
So all the very best for your preparation. Study really very, very well. And in the last few days, please maximum questions ko solve kariye. And please make sure ki aap elimination techniques bhi apply kar rahe hain. So all the very best. See you in the next session. Aise hi kuch short video mein jahan pe hum ek ek questions ko bahut hi detailed tarike se dekhenge. So all the very best. Study well. See you in the next session.